हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? देखिए दोस्तों, आज हम लखनऊ के नेशनल रोड से हम लोग चल रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग से, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो यह राष्ट्रीय राजमार्ग आप देखिए कितना बेहतरीन रोड बनाया गया है। और यह जो रोड है एक महंगा रोड है दोस्तों। यहाँ महंगा रोड होने के साथ साथ सुविधाजनक भी है, जैसा कि आप समझ सकते हैं। इस रोड पर अलग अलग पटरियाँ बनाई गई हैं और इस रोड पर जो कि बार बार रुकने का जो कि प्रॉब्लम नहीं होता है, और ना ही कहीं ब्रेकर मिलेगा आपको, ना ही कहीं गड्ढा मिलेगा। इस गाड़ी पर, इस रोड पर अगर हम गाड़ियों से चलते हैं तो इस रोड पर हमारे गाड़ियों की लाइफ सुरक्षित रहती है, यानी कि लंबे समय तक हमारी गाड़ियां सुरक्षित रहती हैं, क्योंकि बार बार ना ब्रेक लगाना है और ना ही बार बार ब्रेकर के पास रोकना है और ना ही इसी को बार बार बचाना है। और दोस्तों समझ सकते हैं कि अगर हम बार बार रोकते हैं या गड्ढे मिलते हैं रोड में, तो उससे हमारे जो कि गाड़ियों में समस्याएं आ जाती हैं, कुछ ना कुछ काम बढ़ जाता है जो कि रिपेयरिंग कराना पड़ता है। और इस रोड पर चलने में आपको ऐसी सुविधा मिलती है जो कि आप लोग तब नहीं समझते होंगे, नहीं जाने होंगे, नहीं समझे होंगे, आप लोग आज समझेंगे। क्योंकि दोस्तों यह रोड एक सुविधाजनक रोड है और इस रोड पर जो कि रास्ते बटे हुए हैं आने के लिए अलग और जाने के लिए अलग, तो आने जाने के लिए अलग होने के साथ साथ एक पटरी पर एक साथ दो से तीन गाड़ियों तक जाती हैं। तो दोस्तों इस पर चलने के लिए हमको कुछ टैक्स देना पड़ता है जो कि सरकार के खातों में जाता है, क्योंकि सरकार ने काफ़ी लंबी लागत लगा करके इस रोड का निर्माण किया है। तो उस निर्माण कार्य में खर्च हुए पैसे इस आने जाने वाले लोग से ही वसूला जाएगा, इसलिए कि हम लोगों से इसके बदले कुछ न कुछ शुल्क लिया जाता है जो कि टोल टैक्स के नाम से जाना जाता है। टोल टैक्स हर गाड़ियों से उसके बदले कुछ न कुछ धनराशि लेती है, चाहे वह सरकारी गाड़ी हो या प्राइवेट गाड़ी हो। हाँ, कुछ लोगों के लिए यह छूट करता है, जैसे बड़े नेता, सांसद, विधायक या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ऐसे लोगों के लिए इस रोड पर जो कि टोल टैक्स नहीं लिया जाता है। तो दोस्तों यह रोड कितना सुविधाजनक है आप समझ सकते हैं कि अगर इस रोड से आप जा रहे हैं। जी हाँ, बहुत काम की बात आपको देखने के लिए मिलेंगी कि अगर आप इस रोड से जा रहे हैं और अगर आपकी गाड़ी कहीं रास्ते में ख़राब हो गई है, तो इस पर जगह जगह पर कुछ न कुछ बॉक्स आपको देखने को मिलेंगे, तो वहाँ से फ़ोन करने के लिए आपको व्यवस्था होती है या अपने मोबाइल से फ़ोन कर सकते हैं या कहीं दुर्घटना हो गई इस रूट पर तो आपको टोल टैक्स के आदमी
आपको सुविधा देने के लिए पहुंच जाएंगे। उनको आप अगर सूचित करते हैं तब, सूचित करेंगे तो आपकी गाड़ी बिगड़ गई हो, पंचर हो गई हो, या तेल ख़त्म हो गया हो, या दुर्घटनाग्रस्त हो गई हो, किसी प्रकार की समस्या अगर आती है तो आप राष्ट्रीय राजमार्ग के हेल्पलाइन पर फ़ोन करेंगे तो वहाँ पर इस रूट के व्यक्ति पहुंचकर और आपको सहायता प्रदान करेंगे। क्योंकि इन्हीं सभी कारणों के लिए इस रोड पर चलने के लिए लोगों से टोल टैक्स लिया जाता है। तो दोस्तों, यह रोड जो कि बहुत ही साफ़ सुथरा रोड बनाया गया है और बार बार रुकने की झंझट इस पर नहीं होती है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस पर भीड़ भाड़ या ट्रैफिक जैसी समस्याएं आपको नहीं देखने को मिलेंगी। क्योंकि इस पर टैक्स लगाया जाता है और टैक्स के कारण इस पर अधिकतर लोग नहीं चल पाते हैं, कुछ गिने चुने लोग ही इस रूट से गुजरते हैं और जिसके बदले वे टोल टैक्स के नाम पर शुल्क देते हैं। तो दोस्तों, यह राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि लगभग पूरे देश में बनाया जा रहा है, जैसे कि लखनऊ से आजमगढ़ तक के लिए बनाया गया है और आजमगढ़ से वाराणसी तक भी बनाया गया है, और इस रूट से चलने से हम कम समय में लंबी यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस रूट पर चलने के नुकसान यही है कि हमको कुछ न कुछ इसमें एक्स्ट्रा चार्ज देना होता है, कुछ न कुछ शुल्क देना होता है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें अच्छाइयाँ भी हैं, या हमारी गाड़ियों को कम ख़राब होने देता है, यानी ख़राब होने की चांस बहुत कम होते हैं और हमारी गाड़ियाँ सुरक्षित रहती हैं और हम कम समय में ज़्यादा दूरी तक की यात्रा कर लेते हैं। तो इस हिसाब से यह रोड जो कि काफ़ी हितकारी है, क्योंकि इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में किसी के पास समय नहीं है, हर कोई व्यक्ति बहुत जल्द से जल्द अपनी यात्रा पूरी करना चाहता है, तो इसकी समस्या के समाधान के लिए सरकार ने इस रूट का निर्माण कराया है। और दोस्तों, हम लोग इस समय लखनऊ से सुल्तानपुर की तरफ बढ़ रहे हैं और इस रूट पर आप देख सकते हैं काफ़ी साफ सफाई का माहौल है। तो हमारी वीडियो में आप लोग जुड़ें, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं कितना सुविधाजनक यात्रा बनाया गया है। इस रूट पर जो कि देख सकते हैं दोस्तों, यह सुल्तानपुर तक जाने वाला रोड है और हम लखनऊ सिटी से बाहर आ चुके हैं और अब हम राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि उत्तर प्रदेश लखनऊ के रोड को संपर्क कराता है, इस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं। तो
और देख सकते हैं कि हम सरकारी बस से यात्रा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमारी वीडियो से जुड़ा रहा, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। इसके साथ साथ हमारी और भी वीडियोज आपको देखने को मिलेंगी, जैसे लखनऊ रेलवे स्टेशन या किसी आजमगढ़ में किसी स्थान का, इस तरह बहुत सारे स्थानों का जो कि वीडियो और यात्रा का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसके लिए तो चलिए दोस्तों, हमारे सामने देखिए आ रहा है टोल टैक्स। दोस्तों देख सकते हैं, अब हम आ गए हैं उस टोल टैक्स के पास, जो कि सुल्तानपुर और लखनऊ के बीचों बीच पड़ता है। तो देख सकते हैं, यहाँ एक साथ कई गाड़ियाँ अपना पास ले सकती हैं, चाहे कोई भी गाड़ी हो, एक साथ कई गाड़ियाँ यहाँ से पास हो सकती हैं। यानी कि किसी को इंतज़ार नहीं करना है कि नंबर लगाना पड़े, ऐसी समस्या यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति चाहता है, जिस भी गली में अपना जो कि गाड़ी लगाता है और टोल टैक्स जमा कराता है और आगे बढ़ता है। तो दोस्तों देख सकते हैं, लिखा हुआ है राष्ट्रीय राजमार्ग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यालय है, यहाँ से लोग टैक्स यानी कि गाड़ियों से जाने का किराया भी यहाँ देना पड़ता है। यानी कि गाड़ियाँ जो भी हैं, अगर इधर से गुजरती हैं तो हर दिन एक बार इनको इसका चार्ज देना पड़ता है। तो दोस्तों, यह रहा टोल टैक्स का जो टूटा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, काफ़ी साफ़ सुथरा रोड है, काफ़ी साफ़ सुथरा माहौल है। तो धन्यवाद दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे और आप लोग इस तरह वीडियो में जुड़े रहें।
I'm going to go to the hospital.
Thank you.
I'm going to go to the hospital.
Thank you.
Thank you.